चाहता हूं कि मालती चौहान के ससुराल में और मायके में भी पैसा छापने की मशीन लगी हुई है, यानी हर एक आदमी यूट्यूबर है वहाँ पे, और फिर भी उसके दाह संस्कार के लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, ये कितनी शर्म की बात है भाई। नहीं यार, एक आदमी अगर सोच ले उस यूट्यूबरों में से, तो पूरा दाह संस्कार से लेके उनके क्रियाकर्म तक का खर्चा उठा सकता है बिना किसी टेंशन का, क्योंकि लाखों के गाड़ी में वो लोग चढ़ सकता है, तो इतना तो भाई कर सकता है, ये कोई भी समझता है। मैं इस बात का घोर निंदा करता हूँ कि आदमी का चले जाने के बाद उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, उनके स्किल्स और उनके सक्सेस का ही ये वैल्यू देते हैं, और उनके बाद किसी भी तरह की कोई वैल्यू नहीं देते हैं। क्योंकि आज मैंने देख लिया मालती चौहान से, अरे यार शर्म करो, शर्म, हाथ फैला के पैसे मांगते हो दाह संस्कार के लिए, शर्म नहीं आती आप लोगों को? बिल्कुल भी नहीं। क्या इंसान बनोगे यार आप लोग? इतनी सी भी शर्म नहीं बची थी आप लोगों में? वहाँ गोरखपुरिया भौजी थी, बहुत सारा यूट्यूबर था, अरे किसी एक ने ऐसा उठा लिया होता ना, बहुत दुख की बात है भाई, ये बहुत शर्म आता है मुझे। भगवान करता कि मुझे यूट्यूब से पैसा आ रहा होता ना, मैं अकेला उनका पूरा खर्चा उठाता, मैं किसी को उठाने नहीं देता। लेकिन अभी मेरे यूट्यूब से इनकम कुछ भी नहीं हो रहा, बस खर्चा हो रहा है मेरे मुझे, तो इसलिए मैं मजबूर हूँ। और मैं मालती के घर से भी बहुत दूर हूँ, यहाँ से जाने में हमको 3 से 4 दिन लग जाएगा, इसीलिए मैं सबका चुपचाप तमाशा देख रहा हूँ। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि इस तरह का काम ना करें। मालती तो अब बेचारी दुख सुख सह के चली गई, उन्हें आत्मा की शांति के लिए आप लोग दुआ करें और अच्छे से उसका दाह संस्कार और क्रियाकर्म करवाएं।